Basically, I'm a village boy. As the candidate for the office of President of India. पति अब राष्ट्रपति होने जा रहे हैं, कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है. इस एज में ही डिजर्व्स इट. आज यूपीए के घोषित किए गए उम्मीदवार को अपना समर्थन देने का फैसला लिया है. अपना मुखर्जी का नाम आमतौर पर स्वीकार सबने किया है. समाजवादी पार्टी के महासचिव प्रोफेसर रामपाल ने भी समर्थन कर दिया है. टू प्रपोज श्री प्रणब मुखर्जी एज द कैंडिडेट फॉर द ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. राष्ट्रपति पद के लिए प्रणब मुखर्जी के नाम का ऐलान करती यूपीए अध्यक्ष सोनिया गांधी और इसके साथ ही देश के सबसे अनुभवी और कद्दावर नेता प्रणब मुखर्जी रायसीना की राह पर चल पड़े. देश के महामहिम के लिए प्रणब दादा के नाम का स्वागत यूपीए बैठक में मौजूद सदस्यों ने तालियां बजाकर किया और फिर शॉल भेंट कर बाकायदा अभिनंदन भी हुआ. प्रणब मुखर्जी के लंबे राजनीतिक करियर और अनुभवों का हवाला देते हुए यूपीए गठबंधन ने देश की सभी पार्टियों के सांसदों और विधायकों से भी समर्थन की अपील की है. The UPA appeals to all political parties and all members of parliament and members of state legislative assemblies to support the candidature of Shri Pranab Mukherjee for the office of president. इसके अलावा खुद प्रणब मुखर्जी ने भी अपने तमाम सहयोगियों और दूसरी पार्टियों से अपने हक में समर्थन मांगा. मुझे ये मौका मिला मेरे राजनीतिक जीवन में मेरे सहयोगी मेरा पार्टी में दूसरा पार्टी में मदद मिलना, कोऑपरेशन मिलना, सपोर्ट मिलना. मैं भी इस टाइम में भी उनकी सपोर्ट मांग कर रहा हूं. मैं उनकी सपोर्ट मदद चाह रहा हूं. मुझे विश्वास है मुझे सपोर्ट मिलेगा. प्रणब मुखर्जी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद. प्रणब मुखर्जी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद. जैसे ही प्रणब दादा के उम्मीदवार बनने की खबर बाहर पहुंची, उनके समर्थकों और घर परिवार में खुशी की लहर दौड़ गई. कहीं मिठाई बटी तो कहीं हवन हुआ. राजनीतिक सहयोगियों ने भी गले लगाकर बधाई दी. लेकिन सबसे दिलचस्प बात ये रही कि पहले सोनिया के सुझाए नाम खारिज कर चुके मुलायम सिंह भी घंटे भर के भीतर प्रणब मुखर्जी के साथ हो लिए और उनकी कट्टर राजनीतिक दुश्मन रही मायावती भी. आज यूपीए के घोषित किए गए उम्मीदवार को अपना समर्थन देने का फैसला लिया है. प्रणब मुखर्जी का नाम आमतौर पर स्वीकार सबने किया है. समाजवादी पार्टी के महासचिव प्रोफेसर रामपाल ने भी समर्थन कर दिया है. ऐसा नहीं है कि इतने लंबे सियासी सफर के दौरान सत्ता के केंद्र में रहे प्रणब मुखर्जी के विरोधी नहीं, लेकिन जितने विरोध हैं वो सिर्फ प्रणब मुखर्जी से हैं, दादा से नहीं. राजनीतिक हलकों में दादा कहे जाने वाले प्रणब मुखर्जी के निजी रिश्ते अपने विरोधियों से भी इतने अच्छे रहे हैं कि उनकी उम्मीदवारी के खिलाफ फैसला लेने से पहले सोचने की जरूरत होगी. ऐसे में इस उम्मीद से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि प्रणब मुखर्जी सर्वसम्मति से देश के राष्ट्रपति चुने जाएं और इसके संकेत भी मिलने लगे. प्रणब मुखर्जी जो है सीनियर आदमी है, एक लंबा कैरियर रहा है, साफ सुथरा कैरियर रहा है, सब लोग उनकी इज्जत करते हैं. तो हमको लगता है कि मेरी व्यक्तिगत मेरी राय यही है कि उनको सर्वसम्मत से ही राष्ट्रपति जो है बना देना चाहिए. जब बैठक होगी तो उसमें सारी चीजें एक दूसरे से व्यू एक्सचेंज करके जो डिसीजन होगा वो आपको कन्वे करेंगे. प्रधानमंत्री जी ने आज मुझे अडवाणी जी और सुषमा जी को फोन करके सहयोग मांगा है. आज ही एनडीए की मीटिंग हुई है और इसके बाद हम लोग एनडीए की मीटिंग बुलाएंगे और जिन पार्टियों से हमने बातचीत की थी उनसे सलाह करके अंतिम निर्णय करेंगे. और जब सियासी हलकों में हर तरह समर्थन का माहौल हो तो गांव और घर के माहौल का अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं. दिल्ली से शुरू हुआ जश्न
जल्द ही बंगाल के बोलपुर तक पहुंच गया। रायसीना की रेस में उतरते दादा नंबर वन पर आ गए। जब चाहने वाले इतने खुश हों तो घर वालों की पूछिए ही मत। ये बहुत अच्छा आदमी है। मैम, डिड यू थिंक दिस विल हैपन? डिड यू थिंक प्रणब मुखर्जी वुड बी द प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री? ये विश्वास करते हैं, यहाँ अगर लिखा होगा तो हो जाएगा। देश के सबसे हाई प्रोफाइल पदों को संभाल चुके प्रणब मुखर्जी का परिवार बेहद लो प्रोफाइल रहता है, लेकिन जब पिता के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार बनने की खबर मिली तो बेटी शर्मिष्ठा अपने आप को रोक नहीं सकी। जी, मैं बहुत खुश हूँ, जैसे कि कोई भी बेटी अपने फादर की इस सिचुएशन में खुश होंगे। मैं बहुत खुश हूँ। प्लीज, व्हाई डोंट यू, व्हाई आर यू डिस्टर्बिंग मी? लोगों को देखने दीजिए, मैं तो छोटा हूँ। यही इस बात से भी पर्दा उठा कि कभी दादा अगर अपने गुस्से को लेकर चर्चा में आते हैं तो इसके पीछे की वजह उनकी सारी जिम्मेदारियों की वजह से खान पान और आराम से हुए समझौते रहे हैं। ये जो बात है गुस्से वाली, ये मैं लास्ट 3-4 साल से देख रही हूँ। अदरवाइज मेरे फादर बहुत ही काम किस्म के इंसान हैं। आप मानेंगे या नहीं माने ये तो बात और है। आई थिंक स्ट्रेस लेवल, एज, और वो अभी भी दिन में कम से कम 16-17 घंटा काम करते हैं। तो इस एज पे आकर इतने सारे टेंशन्स, इतने सारे स्ट्रेस, कुछ खाने पीने का ठीक नहीं, कुछ सोना का ठीक नहीं, कुछ तो ऑब्वियसली थोड़ा कहीं ना कहीं तो वो निकलेगा ना। प्रणब के बेटे अभिजीत सरकारी नौकरी छोड़कर राजनीति में कूदे हैं। पिता की वजह से राजनीति की डगर तो इतनी कठिन नहीं रही, लेकिन सियासी रिश्तों को बनाए रखने की अहमियत उन्हें खूब समझनी पड़ी है। बट कांग्रेस इज अ वास्ट पार्टी, वेरी ओल्ड पार्टी, सेंचुरी ओल्ड पार्टी। कांग्रेस में देयर इज नो डार्थ ऑफ एक्सपर्टाइज, नो डार्थ ऑफ एक्सपीरियंस, सो ये सब अवेलेबल है। इस परिवार ने ऐसे मौके भी देखे हैं जब प्रणब के प्रधानमंत्री बनने की उम्मीद थी लेकिन ऐसा हो न सका, जबकि प्रधानमंत्री का कामकाज वो कई बार संभाल चुके हैं। वैसे परिवार वालों के लिए वो हमेशा से पीएम ही रहे। मैं अदर वे राउंड मैं ये कहूंगा, ही इज अ परमानेंट पीएम बिकॉज़ हिज नेम इज प्रणब मुखर्जी। डू यू हैव द एनडीटीवी प्रॉफिट ऐप? ऑल द मार्केट्स, ऑल द न्यूज़ इन योर ओन होममेड रेडीमेड पोर्टफोलियो अवेलेबल देयर फॉर यू। वी विल राइट नाउ आंसर व्हाट यू शुड सेल, व्हाट यू शुड बाय व्हेन मार्केट्स आर डाउन। डाउनलोड एट ndtvprofit.com/apps. Get the best app from the channel you trust.